तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि हम आरपेजियोस कैसे प्ले करते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि हमें आरपेजियोस बजाना नहीं आता और कोई भी अच्छे से किसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम आरपेजियोस को हम कैसे प्ले करते हैं। इस वीडियो को ना मैंने पार्ट टू में टू पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट वन है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो उसमें पहले हम सीखेंगे हम राइट हैंड से आरपेजियोस को कैसे कैसे प्ले करते हैं, एट द सेम टाइम कॉर्ड्स को हम कैसे बजाते हैं। तो गाइस ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पियानो पहले मुझसे कोर्स लिया हुआ था, थोड़ा बहुत पियानो सीखा हुआ है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर, तो जिनकी फिंगर्स मतलब पियानो पे आप चल जाती हैं अच्छे से, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो आरपेजियो आप पैटर्न प्ले कर सकते हो। बहुत सारे सॉन्ग्स में हम यूज़ करते हैं आरपेजियोस को, हिंदी सॉन्ग्स में, वेस्टर्न सॉन्ग्स में, क्लासिकल म्यूजिक में तो खैर होता ही है ना। तो ऐसे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं कि हम आरपेजियोस कैसे बजाते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक जो चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये मेरा जो है वो मिडिल सी नोट है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके सामने ही मैं बैठा हुआ हूँ और आपको क्या करना है, अभी हमारे जो फिंगर्स होते हैं वो हम फिंगर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो थंब होता है इसको हम बोलते हैं फिंगर नंबर 1। सो ये है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 फिंगर्स ये हैं, ऐसे ही लेफ्ट हैंड में है फिंगर नंबर 1, ये है 1 2 3 4 5। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पुराना कंटेंट आप जाके मेरा देखो, क्योंकि मैं पियानो नोटेशन से सिखाता हूँ। लेकिन आज मैं कोई नोटेशन यहाँ पे नहीं है, बुक वगैरह कोई नहीं है, आपको मैं वैसे ही फ्रीली आपको मैं पियानो सिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे हम प्ले करते हैं। कि जैसे आपके पास कभी कोई नोटेशन नहीं है, आप कहीं पे कोई पियानो आपको ट्राई करना है तो वहाँ पे आप क्या प्ले करोगे वहाँ पे, है ना। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो को। पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने राइट हैंड से, ठीक है। तो राइट हैंड में आपको क्या करना है, कभी भी गाइस हम कॉर्ड प्ले करते हैं राइट हैंड से या फिर लेफ्ट हैंड से, हम यूज़ करते हैं उसका 1-3-5 फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए हमारा जो सी मेजर स्केल है वो क्या है, ठीक है, ये हमारा सी मेजर स्केल है। अब इसमें हमने क्या किया कॉर्ड को प्ले करने के लिए, सी ई जी, तो ये हमारी है सी मेजर कॉर्ड, फिंगर नंबर 1-3-5, ठीक है। लेकिन जब हम अरपेजो प्ले करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, फिंगर नंबर 1 हम मिडिल सी पे रखते हैं, फिर यहां पे 3 नहीं रखते क्योंकि हमें हाथ को एक्सटेंड करना है, यहां पे लाना है हमें, ठीक है ना, जैसे कि लाइक दिस। तो 1 यहाँ पे, ई नोट पे 2, जी नोट पे 3, ठीक है, और आपको ये छोड़ना है जैसे कि लाइक दिस, और फिर 1 फिंगर नंबर इसके नीचे से लेके जाना है इस सी नोट पे, जैसे कि अगर मैं दोबारा दिखाऊं तो ऐसे, फिर से आप देखो 1 2 3 1, राइट। उसके बाद सेम चीज आप यहां पे यूज करोगे 1 2 3 1 2 3। अगर आपको और आगे जाना है तो आप कर सकते हो 1 2 3, अगर आपको एंड करना है तो आप 5 यूज कर सकते हो यहां पे, कैसे 1 2 3 1 2 3 5, फिर से। इसके लिए हम इसको बीट स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए क्या हो सकता है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हमें अब बैकवर्ड कैसे आना है, 1 2 3 1 2 3, अब 5, फिर वापस के लिए वही सेम फॉर्मूला, फिर इसके ऊपर से आपको लेके जाना है 3 जी नोट के लिए, फिर से आप देखो फिर 3 ऐसे जी पे, जैसे हम ऐसे गए थे यहां पे, तो आपको यहां से वापस आना है फिर ई फिर सी, तो फिर से 1 more time, ठीक है, 1 more time।
अगर उसको हम बीट्स पर प्ले करें तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
कैसे हमारा यहाँ पे रहेगा 5 3 1 वही सी ई जी के लिए, तो ये हमारी सी मेजर कॉर्ड। तो इसमें ना हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पे प्ले करेंगे इसको जब हम वन बोलेंगे, 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फास्ट भी कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी डिफरेंट कोड पर ट्राई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अपना खुद का एक कॉम्बिनेशन बना लो कॉर्ड्स का, जैसे फैमिली कॉर्ड्स होती है, जैसे कि पहले सी पे, उसके बाद कर सकते हो डी माइनर पे, तो ये हो जाएगा। फिर वापस सी पे, ठीक है ना, ऐसे जी पे भी कर सकते हो, जैसे कि फिर एफ, फिर सी, डी माइनर, राइट। तो मतलब खुद का अपना कुछ कुछ भी आप जो कॉर्ड्स का है कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया सी डी माइनर एफ मेजर जी मेजर वापस से सी मेजर। तो गाइस ये था हमारा पार्ट वन राइट हैंड का जो आपको ने बताया है। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि पार्ट टू हम लेफ्ट हैंड से आर्पेजियोस कैसे प्ले करते हैं और उसका बैकवर्ड कैसे लाते हैं, लेकिन अभी आप इसी की प्रैक्टिस करो राइट हैंड की। है ना, तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप मुझे सब्सक्राइब कर देना, और आपकी जो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा है तो। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार पुराना कंटेंट जाके देखो, बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए मैंने बनाया हुआ है। रोटेशन से मैं पियानो सिखाता हूँ, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम कैसे पियानो में फिंगर्स को प्लेस करते हैं, कैसे उसको हम कॉर्ड क्या होती है, सब कुछ मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ जीरो से। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।